वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। सो प्लीज फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, आज की कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बोलने वाला हूं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप सबसे पहले इस कंपनी के डाटास देखिए, इसको एनालिसिस कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए कि आपको ये कंपनी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चलिए इस कंपनी के बारे में जानते हैं और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा फ्रेंड्स। वैसे तो कंपनी है फ्रेंड्स स्मॉल कैप की है, लेकिन अगर इसका परफॉर्मेंस देखा जाए ना तो बहुत ही कमाल का इसने परफॉर्मेंस दिखाया फ्रेंड्स। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 769.48 करोड़ के अप्रॉक्स में चल रहा है इसका मार्केट कैप। आप इसके कुछ कमाल के डाटास देखिए। सबसे पहले कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों से 126.53% का दिया है और इसके साथ गुड रेवेन्यू ग्रोथ भी 23.15% पे देते आ रहा है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ देखा जाए तो आरओई को भी पिछले 3 सालों से 52.24% पे मेंटेन करते आ रहा है और इसके अलावा आरओसी को भी 67.68% पे मेंटेन करते आ रहा है फ्रेंड्स। और अपने ऊपर जो इस कंपनी का कर्ज चढ़ा हुआ था उसको भी देख सकते हैं, 0.92 करोड़ देके कुछ कम भी किया है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी वर्चुअली डेब्ट फ्री है। और अगर इस कंपनी का प्रीवियस डाटास को भी एनालिसिस कीजिएगा ना फ्रेंड्स, तो वो भी कमाल का आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे मार्च 2017 में 0.39 करोड़ का जनरेट किया था, मार्च 2018 में 1.05 करोड़ हुआ है, मार्च 2019 में 2.20 करोड़ जनरेट किया है, मार्च 2020 में 8.10 करोड़ का जनरेट किया है और मार्च 2021 में 12.17 करोड़ का जनरेट किया फ्रेंड्स। तो डाटा से भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, हर साल इसमें कांस्टेंट इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले कुछ सालों से। और रही बात इस साल के क्वार्टरली परफॉर्मेंस की, तो ये भी बहुत ही कमाल का इसने दिया है फ्रेंड्स। आप यहां से देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पे दिसंबर 2020 में 3.90 करोड़ का जनरेट किया था, फिर मार्च 2021 में हो गया 2.63 करोड़, जून 21 में 3.62 करोड़ जनरेट किया यहां पे, फिर सितंबर 21 में 4.34 करोड़ हो गया और दिसंबर 2021 में 4.89 का जेंट किया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी पिछले 4 क्वार्टर से लगातार इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इसके पैरामीटर्स के ऊपर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 0.40 करोड़ है फ्रेंड्स, पी रेशियो 49.74 पे और पीवी रेशियो 19.82 पे, फेस वैल्यू ₹10 पे है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.16% का दे रहा है फ्रेंड्स, बुक वैल्यू आपको 97.04 रुपीस का है, कैश इसके पास अवेलेबल है 23.71 करोड़ का और डेप्थ इसके ऊपर मात्र 0.29 करोड़ का चढ़ा हुआ है। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 38.68 रुपीस का है फ्रेंड्स, सेल्स ग्रोथ अभी 37.75% बेचा रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 50.19% का दिखाया जा रहा है, आरओई कमाल का यहाँ पे 56.42% का और आरओसी तो और भी ज्यादा अच्छा है फ्रेंड्स, 72.85% का दे रहा है। तो चलिए इस कंपनी का प्राइस चार्ट का एनालिसिस भी हम लोग कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि देख के आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, काफी कमाल का इसने यहाँ पे रैली देखने को मिल रही है इसके प्राइस में। एक साल पहले 600 रुपीज के अप्रॉक्स में हुआ करता था प्राइस और अभी ये 1920 रुपीज के अप्रॉक्स में पहुंच चुका है। इस बीच इसने 2519 रुपीज का हाई बनाया था फ्रेंड्स और 600 रुपीज का लो दिया था और रिटर्न की बात की जाए तो 200% के अप्रॉक्स में रिटर्न दे दिया इसने। यहाँ पे एक महीने से देखा जाए तो काफी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स इसमें, ऑलमोस्ट 18% के अप्रॉक्स में ये करेक्ट हो चुका है प्राइस, तो अच्छा खासा मौका बनते हुए फिर से दिख रहा है। और बात करें इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 जनवरी 2008 को इसका प्राइस मात्र 5.93 रुपीस पे स्टार्ट हुआ था और यहां से काफी लंबे समय तक ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2016 तक ये 20 रुपीस के अंडर में ही मूव कर रहा था फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा बहुत जो इंक्रीमेंट इसको देखने को मिल रहा है वो 2017 से इंक्रीमेंट हुआ है इसके प्राइस में और ये 100 रुपीस के अप्रॉक्स में मूव करने लगा था। और लॉकडाउन के समय देख सकते हैं 1 अप्रैल 2022 को ये ऑलमोस्ट 112 रुपीज के अप्रॉक्स में था फ्रेंड्स और यहाँ से जो इसने तेजी दिखाई है ना वो बहुत ही भयंकर तेजी है। देख सकते हैं ऑलमोस्ट 9 जून तक ये 910 रुपीज पे पहुंच चुका था और माइनर करेक्शन होने के बाद फिर जो इसने तेजी दिखाई ना फ्रेंड्स, वो रुकने का नाम नहीं लिया, वो लगातार बढ़ते चला गया, ऑलमोस्ट 2500 तक पहुंच चुका है इसका प्राइस। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी फिर से माइनर करेक्शन देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, तो आगे चल के हो सकता है अच्छा खासा मौका आपको फिर से मिल जाए। और बात करें इसको ओवरऑल रिटर्न की फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं 32231% के अप्रॉक्स में इसने रिटर्न दे दिया अभी तक, जहाँ पे 1.40 रुपीस का इसने लो दिया था और 2519 रुपीस का जो हाई बनाया फ्रेंड्स वो पिछले एक साल के अंदर में ही बनाया इसने। और रही बात इस स्टॉक की वॉलिटिलिटी की, तो काफी ज्यादा हाई रिस्क पे भी चल रहा है, 4.06 के मल्टीपल में चल रही है ये। एक नजर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी डालना जरूरी है फ्रेंड्स, टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे 49.97% का दिखाया जा रहा है, म्यूचुअल फंड अदर डोमेस्टिक कुछ भी नहीं, यहाँ पे फॉरेन हो गया आपका 2% के अप्रॉक्स में और रिटेल अदर पार्टीज का होल्डिंग देख सकते हैं 48.03% का है, जो कि सिर्फ अदर पार्टीज का होल्डिंग है फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स आप यहां से देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में जो रिटेल का जो होल्डिंग था ना वो पूरी तरह से हट गया है फ्रेंड्स, अब ये अदर पार्टीज का ही होल्डिंग ज्यादा यहां पे देखने को मिल रहा है। और बात की जाए इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, तो यहां पे इंट्रेंसिक वैल्यू करंट प्राइस अभी भी मोर बताया जा रहा है इंट्रेंसिक वैल्यू से, आरओई वर्सेस एफडी से अच्छा जनरेट करता है रिटर्न, डिविडेंड रिटर्न कुछ खास नहीं है इसका, एंट्री पॉइंट अभी भी गुड टू कंसीडर बताया जा रहा है और कंपनी अभी रेड फ्लैग जोन में आ गई है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कंपनी के सारे डाटास को हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, अब जरा ये देख लेते हैं कि कंपनी एक्चुअली काम क्या करती है। तो इस कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी फ्रेंड्स और इस कंपनी का मेन बिजनेस
प्लास्टिक रेजिन का है। इस कंपनी के जो पावर प्लांट है फ्रेंड्स, वो सेंटेज अहमदाबाद गुजरात में स्टेब्लिश है, जहाँ की कैपेसिटी देखा जाना तो 1000 टन पर मंथ का कैपेसिटी है फ्रेंड्स। ये मैन्युफैक्चर करता है आपका सिंथेटिक रेजिन एडहेसिव को, और इसके साथ साथ देखा जाए तो वेरियस टाइप्स ऑफ वुड एडहेसिव, जैसे कि उसको व्हाइट ग्लू भी बोलते हैं, वो भी मैन्युफैक्चर करता है फ्रेंड्स, जो कि यूरो 7000 ब्रांड के नाम से बेचा जाता है फ्रेंड्स। और कंपनी ने ये ब्रांड लॉन्च किया था 2006 में, और करंट सिचुएशन में रिटेल सेगमेंट में देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग वुड एडहेसिव ब्रांड बन चुका है फ्रेंड्स इंडिया में। जैसे कि आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से भी देख सकते हैं, यूरो ब्रांड इसका कहां कहां नहीं सप्लाई किया जाता है इंडिया में, ऑलमोस्ट हर पार्ट में सप्लाई हो रहा है। लगभग देख सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, फिर आपका देख सकते हैं वेस्ट बंगाल तक ये सप्लाई करता है अपने प्रोडक्ट्स को। और नीचे साउथ में देखा जाए तो महाराष्ट्र हो गया ये, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, तमिलनाडु तक इसका मार्केट फैला चुका है फ्रेंड्स। तो यूरो 7000 का ब्रांड ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया फैल हो चुका है एक तरह से देखा जाए तो, इसलिए ये सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड बन चुका है फ्रेंड्स अभी। और इसका वुड एडहेसिव जो ब्रांड है फ्रेंड्स, वो काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को भी यूज करता है, जहां पे ये वाटरप्रूफ हो गया, एंटी टर्माइट फॉर्मूला को देता है ये, फिर पीवीसी लेमिनेटेड में यूज किया जाता है, एक्रेलिक लेमिनेशन हो गया, फिर प्री एज ब्रांडिंग टेप्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो ऑलमोस्ट देखा है तो हर सेगमेंट में इसका अच्छा खासा यूज किया जा रहा है इस ब्रांड का। और ये जो यूरो 7000 ब्रांड है फ्रेंड्स, वो किस कंपनी का है इसके बारे में भी हम लोग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो मेन चीज है कि किस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम हुआ फ्रेंड्स ज्योति रेसिन्स एंड एडहेसिव लिमिटेड। तो प्रिंसिपल एक्टिविटीज का मैन्युफैक्चरिंग करना है मार्केट एडहेसिव को और पेंट प्रोडक्ट्स को। और आपके इसके प्रोडक्ट में देख सकते हैं मेलिक रेसिन मिलेंगे, पेंट्स मिलेंगे, एल्काइड रेसिन्स भी मिलेंगे। यहां से आप इसके पूरा नेटवर्क को देख सकते हैं फ्रेंड्स, 12 स्टेट्स में ये काम कर रहा है अभी, 20 ब्रांचेस हो गए, 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 10,000 रिटेलर्स को ये कैप्चर कर चुका है फ्रेंड्स, और 300,000 कारपेंटर्स का ये नेटवर्क बना चुका है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कंपनी का कंप्लीट डाटा एनालिसिस आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स, अब आप डिसाइड कीजिए कि इस कंपनी को लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि जैसा कि अभी तक का इसका परफॉर्मेंस है वो काफी कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। और पिछले 2 साल में तो ये बहुत ही भयंकर मल्टीबैगर रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। और जैसा कि इसका टैगलाइन भी बोलता है, मजबूत जोड़ हमारे रिश्ते का, तो अब देखना ये कि इसका मजबूत जोड़ कितने दिनों तक टिकता है। सो फ्रेंड्स, जाने से पहले लाइक शेयर एंड कमेंट के साथ फॉलो जरूर करें चैनल को।